प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज एक शांत निर्मल करुणामय अखंड प्रभुमय संत प्रतिभा। महंत स्वामी जी महाराज पर ब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण की दिव्य गुणातीत परंपरा के छठे ब्रह्म स्वरूप गुरु और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक अनुगामी हैं। एक विश्वव्यापी सामाजिक आध्यात्मिक अधिष्ठान BAPS स्वामीनारायण संस्था के प्रमुखाध्यक्ष होने के नाते महंत स्वामी जी महाराज लाखों भक्तों भाविकों के परम प्रिय गुरु हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, जीवन पथ प्रदर्शक हैं। उनके ही नेतृत्व में BAPS संस्था द्वारा विश्व भर में संस्कार सिंचन, समाज सेवा और सनातन संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के प्रवृत्तियों का संचालन होता है। साथ ही साथ महंत स्वामी जी महाराज की पावन छत्र छाया में आज 1500 से भी अधिक मंदिरों के माध्यम से विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आरोग्य संकुलों का निर्माण एवं सेवा कार्य समाज हित में जारी है। सन 2016 83 वर्ष की आयु में संस्था के गुरुपद पर आरूढ़ होने के पश्चात अल्प समयावधि में ही महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से 350 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ है। उन्होंने 300 से अधिक सुशिक्षित युवाओं को त्यागी दीक्षा प्रदान कर उन्हें आध्यात्मिक पथ प्रशस्त किए हैं और विश्व भर में शैक्षणिक शोध संस्थानों की स्थापना की है। सनातन वैदिक संस्कृति की ज्योत को पश्चिम की भूमि पर चीरकाल तक प्रज्वलित करने के उद्देश्य से महंत स्वामी जी महाराज ने रॉबिन्सविल न्यू जर्सी अमेरिका में भव्य और दिव्य अक्षरधाम महामंदिर का निर्माण किया है। भारतीय पारंपरिक BAPS हिंदू मंदिर का निर्माण किया है अबू धाबी में। इसके अतिरिक्त सिडनी, जोहान्सबर्ग, पेरिस और सूरत जैसे शहरों समेत विश्व भर में निर्माणाधीन सांस्कृतिक मंदिर परिसरों के लिए अथक पुरुषार्थ कर नेतृत्व कर रहे हैं। केवल मंदिरों के परिसर ही नहीं, परंतु लाखों आबाल वृद्ध मनुष्यों के हृदय में आध्यात्मिकता, नैतिकता, सदाचार एवं निस्वार्थ सेवा के मूल्यों का सिंचन भी वे कर रहे हैं। इस प्रकार चैतन्य मंदिरों के निर्माण से महंत स्वामी जी महाराज सामाजिक शांति, संवादिता और जन कल्याण की परम सेवा कर रहे हैं। चाहे वो यूक्रेन के युद्ध संकट हेतु स्वयं सेवकों का आह्वान हो या COVID-19 महामारी के समय चलाया गया अंतर्राष्ट्रीय जनसेवा अभियान हो, महंत स्वामी जी महाराज के प्रत्येक क्रिया कार्य में करुणा, वात्सल्य और परहितकारी भावना निहित है। मानो महंत स्वामी जी महाराज निस्वार्थ सेवा और निरपेक्ष प्रेम के मूर्त स्वरूप हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष और विश्व सम्माननीय परम आदरणीय विभूति होने के बावजूद महंत स्वामी जी महाराज जन जन के लिए, प्रत्येक भक्त के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। एक ऐसे गुरु जो अपने योग में आने वाली प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक पवित्र
भावनात्मक प्रेम संबंध से जुड़ जाते हैं। वे नित्य प्रति पत्र व्यवहार और फोन के माध्यम से हजारों मुमुक्षुओं को श्रद्धा, भक्ति, सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करते हैं। महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा बरस रहा ये दिव्य प्रेम इतना निस्वार्थ और पवित्र है कि उनके पावन सानिध्य में ऊंच नीच, जाति पाति और गरीब तवंगर या देश वेश धर्म जैसे सभी बंधन पिघल जाते हैं। प्रत्येक हृदय उनके स्पर्श, प्रेम और आशीर्वाद से परितृप्त हो जाता है। पिछले 5 दशकों से उन्होंने विश्व भर में अविरत विचरण कर लाखों घरों, परिवारों, गांव, शहरों को पावन किए हैं। व्यक्ति व्यक्ति के दुख दर्द को सुनकर सभी को आत्मविश्वास, भगवत श्रद्धा और उन्नत आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित किए हैं। और ये सब कुछ उन्होंने किया है अत्यंत शांत और सबसे प्रच्छन्न रहकर, भगवान के प्रति अप्रतिम पराभक्ति से युक्त होकर। 87 वर्ष की आयु में महंत स्वामी जी महाराज ने स्वयं सत्संग दीक्षा नामक नूतन शास्त्र की रचना की, जिसमें 315 श्लोकों द्वारा सांप्रतकालीन युग में एक सदाचार युक्त उच्च आध्यात्मिक जीवन का उत्तम पथ दर्शन किया है। आज इतनी उम्र में भी वे दिन रात सेवा यज्ञ में परिश्रम करते हैं, अविरत विचरण से, प्रत्यक्ष जन संपर्क से, पत्रों से, फोन से और चर्चा विमर्शों से। महंत स्वामी जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं जिनका दिनारंभ होता है प्रातःकाल 4:15 बजे की परोपकारी स्मरणांजलि द्वारा, जिसमें वे विश्व के प्रत्येक देश का स्मरण कर उनके प्रगति कल्याण की प्रार्थना करते हैं। श्रद्धा पूर्वक जप यज्ञ करते हैं दूसरों के शुभ संकल्पों की पूर्ति के लिए। महंत स्वामी जी महाराज के कार्य, उनके उपदेश और उनके निस्वार्थ दिव्य प्रेम का रहस्य है उनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति और परम पवित्र जीवन। उनका शुद्ध हृदय, उनकी साधुता और उनकी अकल्पनीय विनम्रता ही समाज और विश्व के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा की पहचान है। ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज सचमुच विश्व भर के लाखों हृदयों में सिंहासनस्थ गुरु हैं, जिनके दर्शन मात्र से सभी ने परम शांति, नितांत आनंद और अविरत प्रेरणाओं की अनुभूति की है।